ऐसी शक्ल लग रही है आपकी, कैसी? बीमार, बीमारी हो गई। मैं तो, मैंने तो दवाइयों से काम चला लिया, पर चीनू को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। चीना चले हॉस्पिटल या दवाई चेंज करेगी? मैनू वेखिया नी, मैं तो वेखदा ही रह गया, अग वे प्यार वाली सेकदा ही रह गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, फिर से दोबारा से तबीयत खराब हो गई है। पता ही नहीं क्या होने वाला है। हालत देखो, ऐसे इतना सारा बदन दर्द कर रहा है। उस दिन के बाद से ही दवाई भी ले ली और मेरे साथ साथ चीनू की भी तबीयत खराब हो गई। अभी स्वाति को बोला है कि तू थोड़ा ठीक है भाई, हमारी दवाई ले आ। तो अभी स्वाति हमारे लिए दवाई लेने जा रही है। तो स्वाति को मैंने बोला है, ये भी लेटी हुई थी, इसको उठाया है कि ले आ, वो भी बोल रही थी मैं थकी हुई हूँ। पर अब बेटा दवाई तो हमार लानी पड़ेगी। आके तो देख के लग नहीं रहा? लग रहा है, मेरे जैसी आंखें हैं। थकी हुई। अच्छा, थकी हुई था वो, मेरे को लगा कि आके देख के लग नहीं रहा। तू क्यों हिल रही है खड़ी खड़ी? चल जा ले। तो गाइज, मैंने स्वाति को बोला इस चूहिया को रखाएगी। वैसे तो मैंने इसके लिए ना बिस्किट वगैरह सब डाल दिए थे और इसमें रोटी तो है ही, लेकिन स्वाति को थन थन आ रही है। तो ऐसे तो ये हेल्दी है अभी, पर वही था कि इसको कहाँ छोड़े अभी। देखो, बहुत सारे लोग चूहों को भी तो पालते हैं, वो जो बड़ा वाला चूहा होता है। मुझे नहीं पालना स्वाति। मैं वैसे एक बात बता रही, ये ले इसको भी छोड़ा, ये सेफ। अरे अभी दो दिन और कम चल जाएगा इसका। नहीं छोड़ा, कोई नहीं। कैसे खुलता है ये? अभी यही खोल के बता दूं? वैसे बता दो। ऐसे ही ना, ओए कभी यही कूद जाए। ये यहाँ से खुलेगा, इसको तू यूं कर दिए खुल जाएगा ऐसे करके, ठीक है? ठीक, जैसे भी तुझे लगे। यहाँ से तुझे दिक्कत लगे तो तू ये खोल दिए, वो ही खोल दूंगी वो वाला। ठीक है, ले दवाई ले और इसे छोड़ा। यहाँ रख, बिठा दो इसको। ठीक है, तू इसको बिठा, मैं गेट वेट खोलूंगी ना। कुछ नहीं करूंगी मैं, रख दो यहाँ पे, ये गिर ना जाए पिंजरा। घुमा के ला रही हूँ मैं इसको। ट्रिप करा ला बाइक पे। बाइक पे तो नहीं लेके जा सकती। नहीं टांग ले उसको हैंडल पे, पता चले चलते चलते खुल गई। नहीं खुलेगा, बिना छेड़े नहीं खुलता ये। खोल लो दरवाजा। तो चलो गाइस, गेट खोल देते हैं। बाय कर रही है ये, कोई जा रही है कहीं लंदन? अच्छा, चुहिया को बाय कर रही है चीनू। तो गाइस चलो, गेट खोल दिया है और स्वाति जा रही है। ब्राउनी जाओ जाओ, आके बात करना। चुहिया को छोड़ने का टाइम आ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाय। क्या हुआ रे? देखो यूं कर रहा है। ब्रेक डांस सीख रखा है इसने, देख ले बिना ट्रेनिंग के। तो भाई मम्मी सेब काट रही है छिलके उतार उतार के। छिलके पे वो केमिकल होता है तो बिल्कुल मन नहीं करता खाने का। ऐसी शक्ल लग रही है आपकी, कैसी? बीमारी हो गई। मैं तो पता नहीं, लो शक्ल लग रही है। मैं कह रही थी एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आप तो डेली खाते हो वैसे भी। वही मैं कह रही, डेली खाते भी हूँ पर पता नहीं हुआ ही क्या। एप्पल ही बेकार है। इस पे इतना केमिकल है ना ले, कि अब अगर कोई साफ एप्पल भी हो ना तो भी विश्वास नहीं होता, उसका भी छिलका उतारती हूँ है ना। ऐसा हो गया। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। ये मैंने आटा गूंद लिया है गोभी डालकर। चीनू उठ जाओ, उठोगे जब भी तो मैं कुछ खाना वगैरह बनाऊंगी। तो गाइस चीनू को आराम नहीं पड़ा, इसकी बहुत तबीयत खराब है। इसने दवाई भी ली थी लेकिन अब क्या करें। उठ जाओ चीना, उठो। तो गाइस अभी चीनू तो उठ गई है, स्वाति आगे फिर से लेट गई है। मैं सोच रही हूँ ये उठ जाए तो ही मैं पराठे बनाऊं और फिर खाएं गरम गरम। बना लो अब, मैं तो उठी हुई हूँ। ये उठना है मतलब, वैसे ही लेट हूं तो। ठीक है, उठेगी तभी बनाऊंगी मैं, या पहले मैं नहा लूं? तो गाइस मैं तो नहाई भी नहीं हूँ, पर मैं ये सोच रही हूँ मैं पहले नहा लूं, क्या पता नहाने से थोड़ा ठीक हो जाए। एक काम करना, अच्छे से नहाना, एक घंटा लगा लेना बेशक, मैं सो जाती हूँ। देखा स्वाति की बात। मैं तो बस दो गिलास डाल के, दो मतलब गिलास नहीं डब्बे, गिलास कहाँ से आगे, दो डब्बे डाल के तुरंत आ जाऊंगी। ये भी कोई नहाना होता है? यही तो नहाना होता है, पानी ना खराब करके, ना टाइम खराब करके। ऐसा कुछ नहीं है। तीनों क्या बोलने आई है, क्या है? स्टीम बाथ ले लो, पानी भी खराब नहीं होगा, तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तेरी ठीक हो गई? और चीनू अभी अपने कपड़े धो रही है। वैसे तो मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिए हैं, अभी चीनू के बाकी बचे थे। चल डाल दे मशीन में जा। तो गाइस मैंने पराठे बना के चीनू को दे दिए हैं और चीनू अभी दही खाएगी और इसके गले में भी दर्द है। ये क्या बात हुई, दही थोड़ी खानी चाहिए? आपने बोला था आज नहीं सेकेगी। अच्छा,
सारी बात मानती है मेरी, है ना? मानती है ना सारी? बहुत अच्छा है मम्मा। क्या अच्छा है? पराठा सब्जी भी। गोभी का पराठा, राजमा की सब्जी और दूध की दही। बहुत दिन बाद बनाई है ना आपने राजमा। बहुत दिन बाद। फिर रात को चावल बना देना। ठीक है। तो गाइज मैं नहा ली थी और नहाने के बाद थोड़ा सा ही लग रहा है, और नहाते ही स्वाति को बोला स्वाति चाय बना दे, और ये स्वाति यहाँ पे चाय बना रही है मेरी और चीनू की। अपनी भी बनाएगी स्वाति? तो भाई कुछ नहीं, बस मन करता है ऐसे ही चाय पी लो, रोटी खा ली, ना पेट भरता ना नींद आती कई दिनों से, और यहाँ पे मेरे साथ साथ चीनू की भी तबीयत बिगड़ गई है। अच्छे से बिगड़ गई है चीनू की तबीयत, मेरे को लगता है। मैंने तो दवाइयों से काम चला लिया, पर चीनू को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा क्योंकि इसका दवाई लेने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है। चीना चले हॉस्पिटल या दवाई चेंज करेगी? दवाई। खाना खा लिया ना? देखता की को कैसे दबा रही है चीनू को। हटा, देखो भाई ये चीनू को मैंने बनवा के जो पिल्लो दिया था, बढ़िया लग रहा है ना, प्यारा सा। अपनी भी नहीं बनाई चीनू। स्वाति खाना खाया था ना मैंने अभी। इतने कम होगी, 2 कप भर के पूरी डाली थी। तो तूने ज्यादा जला दी, इसका मतलब इतना तो नहीं होता? मुझे नहीं पता, अब देख क्या बोलोगे कि उबली हुई भी कम है। इतनी कम नहीं पीनी मुझे, थोड़ी सी ज्यादा पीनी है। तो ये थोड़ी। तो गाइस चलो एक बार चाय पीते हैं भाई, चाय पी के। जब घर में मेहमान आते हैं और चाय कम पड़ जाती है तो ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? इससे चांद के हो जाएगी, दबाते हैं ना फिर। फिर हो जाएगी पूरी, देखते हैं कितनी पूरी होगी। ऐसा तूने कब कर दिया? मैंने तो तेरे को कभी नहीं बोला, ऐसे तो खुद से ही बोल रही है। अरे मतलब एक बात है बोलने वाली। अच्छा मैं सोच रही, मैंने तो कभी नहीं बोला ये। देखो कितनी निकलती है, देखते हैं। एक घूट है ये। दो घूट कम, एक घूट तो हो ही गई होगी बूंद बूंद करके। चल ठीक है, तूने कर दी चीनू की पूरी। तो गाइस किसी के घर चाय अगर कम रह जाए, गेस्ट आए हो, तो आप स्वाति वाला ये ट्रिक आजमा सकते हो और चाय को पूरा कर सकते हो। ये तूने ठीक किया, काली मिर्च डाली है इसने इसमें, देख लो। ठीक है तो गाइस चलो इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ बनाने की। स्वाति बोल रही है एंड कर दो और सो जाओ आराम से 2 घंटे। तो मेरे को स्वाति की बात सही लगी, तो गाइस चलो सोती हूँ थोड़ी देर। लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे ही मेरी हालत खराब है, लोग डंके भी नहीं बन पा रहे, ऊपर से चीनू की हालत खराब। स्वाति थोड़ी ठीक है बेचारी। कमेंट करके बताना बदबू आई या नहीं आई। नहीं आई, मेरे पैर साफ है। और स्वाति अपनी ठीक ठाक है, ये ठीक रहे क्योंकि हम तो पहले से ही बीमार हो चुके हैं। वेख्या नहीं मैं तो वेखदा ही रह गया, अग वे प्यार वाली सेखदा ही रह गया।